ध्यान से देखिए इस हाथी के कान को, आप कुछ नोटिस करेंगे। कुछ नोटिस हुआ आपको? हाथी के जो कान के आगे वाला हिस्सा है ना, इसको ध्यान से देखिए, आप कुछ नोटिस करेंगे। कुछ समझ में आया? मैं आपको बता देता हूँ, हाथी के कान का जो ये वाला हिस्सा है ना, कितना हिल रहा है, कितना चंचल है। एग्जैक्टली वैसे ही आपका जो शरीर है ना, चंचल है। कब ये शरीर कहाँ चला जाए, इसके साथ क्या हो जाए, कोई भी नहीं जानता है। उसी तरीके से बरसते हुए उस बादल को देखिए। बादलों के कारण बारिश होती है, तेज हवा में ये बादल भी बिखर जाते हैं। वैसे ही आपके शरीर की आयु भी बिखरती रहती है, पर आप इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। पर आज के वीडियो को देखने के बाद इसको एक्नॉलेज करेंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आपका दिमाग इतना स्थिर हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे मेरे साथ क्या हो रहा है। जितना आपका दिमाग स्थिर होगा, उतना ही आपको पहली बार एक अलग प्रकार का आराम मिलेगा। तो वैराग्य सत्य के ऊपर आधारित इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीटली देखिए और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आध्यात्मिक चीज को बड़ी आसानी से समझते हुए अपने समय को सार्थक कीजिए। स्वागत है आप सबका वैराग्य शतक पार्ट 3 वीडियो में। ध्यान से देखेंगे श्लोक नंबर 49 का एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, पेशेंस कंसंट्रेशन एंड समाधि। संसार के भोग चंचला विद्युत के समान अस्थिर है, आयु भी वायु के द्वारा विघटित किए गए जल वर्षक मेघों के समान क्षणभंगुर है, यौवन की लालसा भी स्थिर नहीं है। अतः हे बधुजन, धैर्य से प्राप्त एकाग्रता द्वारा सुलभ समाधि सिद्धि का प्रयत्न करो। समझना है, जैसे विद्युत अस्थिर है, चंचल है, आप आकाश में देखते हैं बिजली चमकती है, बहुत अस्थिर है, वैसे बारिश कराने वाले जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, वो भी तेज हवा में बिखर जाते हैं। उसी प्रकार आपकी जो आयु है वो भी बिखरती रहती है। अगर आपके जीवन में यौवन की लालसा है, वो भी स्थिर नहीं है। एक निश्चित समय तक आपके मन में इच्छा हो सकती है कि मैं हमेशा जवान दिखूं, या अपने यौवन की रक्षा के लिए आप प्रयास करेंगे, करना भी चाहिए, पर एक समय ऐसा भी आएगा कि यौवन सदा वैसे ही नहीं रहेगा। अतः हे बधुजन, यानी कि हमें कह रहे हैं ऋषि भर्तृहरि, धैर्य से प्राप्त एकाग्रता द्वारा, अर्थात हमें धैर्य रखना पड़ेगा और एकाग्रता का अभ्यास करना होगा, उसके बाद सुलभ समाधि सिद्धि का प्रयत्न करना होगा। देखिए, समाधि जो है एक लास्ट स्टेज होता है, शुरुआत में आपको धैर्य रखना अनिवार्य है, उसके बाद एकाग्रता का अभ्यास करना होता है। आप अगर धारणा को देखेंगे, धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के 3 आखिरी चरण होते हैं। धारणा क्या है? धारणा का ही एक पार्ट होता है एकाग्रता। आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी आध्यात्मिक ऑब्जेक्ट पर, अपने इष्ट देव पर, अपने गुरु देव पर ध्यान लगाते हुए एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। वैसा करते करते जब आपका मन उसमें एकाग्र हो जाता है, फिर आपका ध्यान लग जाता है। जब ध्यान की गहराई में आप प्रवेश करते हैं, जो आपका मन है वो भी विलीन हो जाता है, आप थॉटलेस हो जाते हैं। लास्ट स्टेज में आपको समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि के ऊपर डिटेल्स में हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें आप सब कुछ समझ जाएंगे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आगे बढ़ेंगे। नाइदर एनरेज्ड नॉर प्लीज्ड, इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। मैं श्लोकों का उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समय उसमें लगेगा। हमें अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर ज्ञानी जन होते हैं, जो अपनी आत्मा में, अपने परमात्मा में वो मस्त रहते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, अन्न जल के लिए भले ही वो दुनिया के ऊपर डिपेंड हो या हमारे ऊपर डिपेंड हो, वो अपने आप में मस्त रहते हैं, ऐसे ज्ञानी जनों को देख करके कौन क्या कहता है? अलग अलग प्रकार के लोग हैं, किसके मन में क्या चलता है और कौन किस प्रकार इस चीज़ को देखते हुए वो बोलता है,
सब पूछ, इनको हम देख रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, हमें पता नहीं इनकी गहराई कितनी है, इनकी पहुंच कहां तक है और कैसे हैं। साधारण मनुष्य क्या समझता है, क्या यह चांडाल है या ब्राह्मण है, शूद्र है अथवा तपस्वी, अथवा तत्वज्ञान में कुशल कोई योगेश्वर है। इस भांति अनेक प्रकार के संशय से युक्त तर्क वितर्क करते हुए मनुष्यों द्वारा छेड़छाड़ करने पर भी योगी ना तो क्रुद्ध होता है और ना ही हर्षित ही, वरन समाधान चित्त रहता है। अर्थात इनको देख करके कोई बोलेगा ये तो चांडाल है, कोई बोलेगा ये तो ब्राह्मण है, ये तो शूद्र है, कोई बोलेगा ये तो तपस्वी है, कोई इनको तत्वज्ञानी समझता है और इनको तो परमात्मा का ज्ञान है, कोई समझेगा ये तो योगेश्वर है। इस प्रकार बहुत तरह के संशय मन में पैदा होते हैं और तर्क वितर्क होते हैं। कई लोग छेड़छाड़ भी करते हैं, कई लोग तंग भी करते हैं, फिर भी जो योगी होता है वो क्रुद्ध नहीं होता है, वो गुस्से में नहीं आता है, वो परेशान नहीं होता है, ना ही हर्षित होता है, ना ही वो खुश होता है अगर उसकी तारीफ कर दो तो। पर इसमें हमको एक बात समझना है, कई लोग इस चीज़ को डायलॉग समझ करके दूसरों के सामने बोलते रहते हैं, तुम तो योगी हो, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम तो शिक्षक हो, तुम तो अच्छाई का प्रचार कर रहे हो, तुम क्यों गुस्से में आ रहे हो, तुम क्यों डांट रहे हो, ऋषि मुनि श्राप क्यों देते हैं अगर उनको क्रोध नहीं होता है। देखिए, दुनिया को चलाने के लिए दुनिया में अनुशासन आवश्यक है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कई प्रकार से निंदा भी करते हैं, कई प्रकार से परेशान भी करते हैं, शरीर की हानि भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को अनुशासित करने के लिए, उनकी भलाई के लिए ऋषि मुनि लोग श्राप देते थे। ऋषि मुनि किसी का अहित नहीं चाहते हैं, गुरु लोग किसी का अहित नहीं चाहते हैं। कोई व्यक्ति उस प्रकार जब गुरुओं का अपमान करता है, उनको रोंदने का प्रयास करता है, तो उसके सिर पे पाप चढ़ जाता है और उसका उसमें भला नहीं होता है। जब उसको श्राप दिया जाता है और एक निश्चित समय तक वो उसको भोगता है उस श्राप के फल को, तो उसके कर्म कट जाते हैं, फिर उसका कल्याण होता है। दुनिया को चलाने के लिए क्रोध का सदुपयोग आचार्य या गुरु लोग करते हैं, लेकिन अंदर से वो किसी का अहित नहीं चाहते हैं। उनका क्रोध जो भी दिखता है वो हमारी भलाई के लिए दिखता है, ना ही हर्षित ही। हो सकता है गुरु लोग, आचार्य लोग, जो लोग ज्ञानी होते हैं, वो हमारे कर्मों से प्रसन्न होकर के मुस्कुराएं, प्रसन्न भी होते हैं, हमें आशीर्वाद भी देते हैं, पर अंदर से वो समाधान चित्त रहते हैं, अर्थात अंदर से इक्विलिब्रियम में रहते हैं, सम अवस्था में रहते हैं, जिसको केवल आध्यात्मिक मानसिकता वाला व्यक्ति ही समझ पाएगा, विद्वान व्यक्ति ही समझ पाएगा। आप लोग भी धीरे धीरे समझ पाएंगे जैसे जैसे आप इन सब विषयों पर रुचि रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और आध्यात्मिक अभ्यास करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। एवरीथिंग वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी, इसका मतलब क्या, क्या संतजनों के रहने के लिए रम्य राजभवन न थे, क्या श्रव्य संगीत और गीतादि न थे, क्या प्राणप्रिया नारियों का समागम सुख उन्हें प्रिय न था, परंतु वे इस जगत को वायु से हिलती हुई दीपक की लौ की छाया के समान चंचल समझकर निर्जन वन में चले गए। कई लोग तपस्वी हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, मुनि हो जाते हैं और निर्जन वन में चले जाते हैं। उनके लिए ये प्रश्न है, क्या उनके रहने के लिए रम्य राजभवन ना थे, उनके पास सब कुछ था, रहने के लिए राजभवन भी था, उनको सुनाने के लिए कई तरह के संगीत बजते थे, गीत गाने वाले लोग भी थे, एक्सपर्ट लोग भी थे, उनको खुश करने के लिए सब कुछ था उनके पास, प्राण प्रिया नारियों का समागम यानी कि अति प्रिय सुंदर नारियों का समागम का सुख भी उन्हें मिल रहा था। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि इस जगत को वायु से हिलती हुई दीपक की लौ की छाया के समान, एक तो इस दीपक की लौ को देखिए, थोड़ी सी हवा चलेगी तो ये बहुत चंचल है, हिलती रहती है, उसकी छाया उससे भी ज्यादा चंचल है, तो इस दुनिया को, इस जगत को दीपक की लौ की छाया के समान चंचल समझ करके वो निर्जन वन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो हमारे लिए क्या मैसेज मिलता है,
क्या हम भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, अपना घर छोड़ दें और किसी चीज़ का कभी आनंद ना उठाएं? देखिए, घर छोड़ने के लिए कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा है, कोई गुरु भी आपको नहीं कहता है, वो तो आपका प्रारब्ध कहता है। वो आपके जीवन में किस प्रकार पुण्यों का उदय हुआ है, आपकी कैसी आध्यात्मिक स्थिति है, उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है। वो आप चाहोगे तभी भी नहीं होगा, इंस्टेंटली होता है। पर हमारे लिए मैसेज यही है कि हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें, जो भी हमारी आवश्यकताएं उसको पूरी करते हुए हम आगे बढ़ें, अपना कर्तव्य अवश्य करें। पर हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो भी कुछ हमारे पास है या नहीं है, दोनों ही कंडीशन में सब कुछ नष्ट होने वाला है। अंततः हमें ये रियलाइज होगा, आज रियलाइज हो या लास्ट में रियलाइज हो, अवश्य रियलाइज होगा, जो दुनिया है जलती हुई दीपक की लौ की छाया के समान है। इसलिए समय से पहले हमें हर चीज़ को रियलाइज करना है। छोड़ना जरूरी नहीं है, हर चीज़ से भागना जरूरी नहीं है। चारों तरफ से हम घेरे हुए हैं, फिर भी हमें अपना कर्तव्य करते हुए ये समझना है कि ये सब कुछ मिटने वाला है और हमें किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना है। हमें उसकी सच्चाई पता होनी चाहिए, हमें सावधान होते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ताकि अगर हमारा अटैचमेंट नहीं होगा तो ध्यान लगाना बहुत आसान होगा और समय बीतते हुए हम अपने समय को सार्थक कर पाएंगे और अपने जीवन को भी सफल बना पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। Why to lean before cruel people? ध्यान से सुनेंगे, खास करके ये आचार्यों के लिए, गुरुओं के लिए, कुछ ऐसे संतों के लिए भी एप्लीकेबल है। हो सकता है उनका लेवल वहाँ तक ना हो जैसा होना चाहिए, उनको चेतावनी दे रहे हैं। कौन? भर्तृहरि जी चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? क्या कंदराओं से कंदमुलादी और पर्वतीय झरने नष्ट हो गए, या सरस फल और वक्कल से युक्त वृक्ष की शाखाएं क्षीण हो गई, जिनके कारण याचकों को अवनीत दुष्टों के मुख देखने पड़ते हैं? मतलब कुछ ऐसे सत्ताधारी लोग होते हैं, राजनेता होते हैं, जो सज्जनों को, संत जनों को, गुरुओं को रौंदने का प्रयास करते हैं, उनको प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं, और अपने आप को बड़ा भगवान समझते हैं, किसी को गिनते नहीं है। पर कुछ ऐसे भी आचार्य हैं, गुरु लोग हैं, उनके लिए ये मैसेज है ऋषि भर्तृहरि देना चाहते हैं कि कंदराओं से, यानी कि जो वन है, जो जंगल है, वहाँ पर कंदमूल की कमी नहीं हुई है, पर्वतों से झरने भी बह रहे हैं, सरस फल सब कुछ अवेलेबल है, वक्कल से युक्त वृक्ष की शाखाएं भी है हमें शीतलता और छाई प्रदान करने के लिए, वो भी खत्म नहीं हो रही है, सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल है। फिर भी ऐसा क्या रीजन है कि तुमको उनके अनुग्रह तले पलना पड़ रहा है, अर्थात तुम उनके सामने जाकर के अनुग्रहित होना चाहते हो, उनके सामने हाथ फैलाना चाहते हो, और फिर वो लोग तो आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको सम्मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका महत्व तो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये तो नहीं पता, बल्कि आपको रौंदने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप उन्हीं से आशा लगाए बैठे हुए हैं कि वो कुछ दे देंगे आपको। तो यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं, यहाँ पर आचार्य और गुरु का काम क्या है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पुराने समय से लेकर के आज तक, उनको सही मार्गदर्शन करना, उनको वार्निंग देना, आवश्यकता पड़ने पर कठोर शब्दों से भी उनको सही ठिकाने लगाना, कहने का मतलब उनको सही रास्ता दिखाना, उनको स्थिर करना, उनको अपना कर्तव्य का पाठ पढ़ाना आचार्य और गुरु का कर्तव्य होता है। ये बात यहाँ पर भर्तृहरि जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं, डायरेक्टली भी कह रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहना चाहते हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है। इससे हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, हम भले ही उस लेवल के आचार्य या गुरु नहीं हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। हमें ये नहीं चिंता करनी चाहिए कि मेरा क्या होगा, मेरे पास कुछ नहीं है। आप अगर पुरुषार्थ करेंगे तो प्रकृति द्वारा आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर प्रकृति द्वारा आपको सब कुछ मिल रहा है
अगर हम कर्तव्य परायण हैं तो हमें किसी के नीचे, जो लोग अविनीत हैं, जिनके जीवन में विनयता नहीं है, विनम्रता नहीं है, जो लोग क्रूर हैं, उनके सामने झुक करके डर करके रहने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें एकदम नॉर्मल जीवन जीने की आवश्यकता है। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोप नहीं कर रहे हैं, हम सबका भला चाहते हैं। इस प्रकार की मानसिकता से हमें जीवन जीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाउ फिकल नेचर योर बॉडीज। जब श्री संपन्न सुमेरु पर्वत प्रलय काल की अग्नि से दग्ध होकर गिर जाता है, बड़े बड़े मकर और ग्राहियों का आश्रय स्थान समुद्र शुष्क हो जाता है तथा पर्वतों से धारित धरती लीन हो जाती है, तब हाथी के कर्णाग्र के समान चपल इस शरीर का ही क्या कहना। अर्थात बड़े बड़े सुमेरु समान पर्वत प्रलय काल की अग्नि से दग्ध होकर गिर जाता है। वो गिर जाते हैं बड़े बड़े पर्वत सुमेरु प्रलय काल की अग्नि में। बड़े बड़े मकर यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं, बड़े बड़े और भी भयंकर जो जीव होते हैं समुद्र में, वो इतना बड़ा समुद्र भी एक समय ऐसा आता है सूख जाता है, शुष्क हो जाता है, तथा पर्वतों से धारित धरती यानी कि इतने बड़े बड़े पर्वतों को धारण करने वाली जो धरती है वो भी लीन हो जाती है। तो हाथी के कर्णाग्र यानी कि हाथी के जो कान के आगे वाला भाग, देखिए जो हिलता है बहुत ज़्यादा, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, वो इतना चंचल है, उसी तरीके से आपका शरीर भी चंचल है। तो इस शरीर का क्या कहना। बस हमें यहाँ पर समझना है, तो आपका जो शरीर भी है बड़ा ही स्थिर नज़र आ रहा है, बड़ा सुंदर नज़र आ रहा है, बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है, आप अपने आप को बड़ा बलवान समझ रहे हैं, आपके जीवन में अहंकार का उदय भी हो रहा है, भाग्यशाली भी समझ रहे हैं, अच्छी बात है। शरीर एक साधन है, शरीर रूपी साधन का सदुपयोग होना चाहिए और सत्य का अनुसंधान करना चाहिए, उतनी ही शरीर की उपयोगिता है। शरीर से सारे कार्य करते हुए भी अपने को अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, पर इस शरीर के लिए हम मोह रखते हैं और इसी तरीके से टाइम पास कर देते हैं, तो फिर हमें पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलता है, हमें अभ्यास करने का मौका भी नहीं मिलता है, हमें पुरुषार्थ करने का मौका भी नहीं मिलता है, अंततः हमें बहुत ग्लानि होती है, उसी ग्लानि में हमारे प्राण छूट जाते हैं, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है और फिर हमें कई शरीरों में भटकना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में बहुत सतर्क और सावधान होना है और हमारे पास जो क्वालिटी है, जो भी योग्यताएं हैं, उसका सदुपयोग होना चाहिए अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए। बस यही मैसेज इस श्लोक से समझ में आता है। आई लिव बिलियन ईयर्स, व्हाट नेक्स्ट। बहुत ही जबरदस्त ये श्लोक है, इसको अगर आपने समझ लिया ना, मजा आ जाएगा एकदम। सभी कामनाओं को देने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होने से क्या होता है। लक्ष्मी की जब प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति को हर प्रकार का सुख वैभव मिलने लगता है। अगर पुरुष है तो उसको स्त्री का सुख भी मिलता है, अगर स्त्री है तो वो अखंड सौभाग्यवती बन जाती है। सुख की कमी नहीं होती है, धन धान्य की कमी नहीं होती है, बुद्धि की भी कमी नहीं होती है, शुभ ही शुभ होता है। पर उसके बाद भी क्या होता है, वो भी तो नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को पददलित करने या प्रेमियों को धनाधीश से सम्मानित होने अथवा कल्प पर्यंत जीवित रहने से भी क्या लाभ। अर्थात आपने शत्रुओं को भी मार डाला, आपके कोई शत्रु भी नहीं है, आपसे शत्रु भी डरते हैं, और आपके जो प्रेमी जन हैं उनको आप बहुत धन भी दे रहे हैं, वो भी आपको धन दे रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, आप लोग बड़े मजे से जीवन जी रहे हो। उतना ही नहीं, आप कल्प पर्यंत जीवित रह रहे हो। अर्थात यहां पर हम 50 साल 60 साल या 100 साल की बात नहीं कर रहे हैं। कल्प का मतलब होता है एक समय का यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट है। अब मैं आपको समझाऊं, स्मॉल यूनिट से बड़े यूनिट तक तो बहुत समय लग जाएगा। यहां पर एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं, कभी समय मिलेगा तो आपको वैदिक टाइम कैलकुलेशन, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रहस्यमय है, उसको आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक एटॉम से लेकर के समय का कैलकुलेशन होता है, फिर कल्प तक पहुंचता है। देखो डिवाइन ईयर और ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर जिस तरीके से कैलकुलेट होता है वो कुछ अलग है, क्योंकि सूर्य सिद्धांत है,
उसके अनुसार ह्यूमन ईयर काउंट होता है। डिवाइन ईयर वो अलग तरीके से काउंट होता है, जिनको देवताओं का वर्ष माना जाता है। एक कल्प का मतलब ब्रह्मा जी का हाफ डे अर्थात दिन दिन वाला पार्ट एक कल्प होता है। दो कल्प यानी कि रात और दिन दोनों मिल जाते हैं, तो एक कल्प मनुष्य के कितने साल होते हैं? 432 करोड़ साल। आप देख लो फिगर 432 और कितना 7 times 0, 432 करोड़ ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि डे वाला पार्ट एक कल्प है। और डे और नाइट मिलने से ब्रह्मा जी का दो कल्प हो जाता है, तो वो 864 करोड़ साल। उतना समय भी अगर आप जीवित रहते हैं तो भी क्या लाभ, क्योंकि आपका समय इतना तेजी से बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ पाते हुए भी आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि यार मैंने क्या पाया, मुझे क्या मिला। सोच लो कितना जबरदस्त ये मैसेज है इस श्लोक में, क्योंकि सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो हमें जीवन जीते हुए संसार की सच्चाई को समझते हुए हमें ईश्वर में मन लगाना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। भागने की जरूरत नहीं है, वो आपके कर्म से और पुरुषार्थ से आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। आप भागोगे तभी आपका पीछा करेगा वो, लेकिन आपको कहीं भी अटैच नहीं होना है और अपना ध्यान अपने डेस्टिनेशन पर लगाते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट चलेंगे, कॉन्टेम्पलेट द इटर्नल सोल ब्रह्मा। इसलिए अनंत अजर परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करो, उससे भिन्न चिंतन से क्या लाभ है, क्योंकि कृपणों के अधीन रहने वाले भुवनों का आधिपत्य भोग आदि सब उस ब्रह्म के ही आश्रित हैं। अब क्या करना चाहिए अपने को, जो अनंत है जिसका आदि अंत नहीं है, जो अजर है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, जो परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म है। ज्योति स्वरूप का मतलब होता है एक सत्ता है, कोई फिजिकल ज्योति की बात नहीं कर रहे अपन, एक सत्ता स्वरूप ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है उसका चिंतन करना चाहिए। उससे भिन्न चिंतन से क्या लाभ है, क्योंकि कृपणों के अधीन रहने वाले भुवनों का आधिपत्य भोग यानी कि जो कृपण लोग हैं, जो लोभी लोग हैं, उनके अधीन में जो बड़े बड़े भुवन हैं, बड़े बड़े महल हैं, जो भोग हैं, ये सब कुछ उसी ब्रह्म के ही आश्रित हैं, उसी ब्रह्म के अंतर्गत ही आते हैं, उसी के नीचे ही है। वास्तविक सुख इन भुवनों में या भोग में नहीं है। हम तो अपने आप को सुखी जान करके बेवकूफी कर रहे हैं, समय ही खराब कर रहे हैं, मूर्खता है। जब हम ये समझ जाएंगे कि वो सब कुछ ब्रह्म के ही आश्रित हैं, तो हमारा मन उन सब चीजों से डिटैच हो जाएगा। भले ही आप उन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं, फिर भी आप अटैच्ड नहीं होंगे, बस समय को व्यतीत करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर हमें मैसेज मिलता है कि हमें जो अजर अमर है, जो अनंत है, जो परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म है, उसका चिंतन करना चाहिए। नेक्स्ट समझेंगे, एनफ वॉन्डरिंग अटेंड द ब्रह्मा। अरे मन, तू अपनी चंचलता के कारण कभी पाताल में जाता है, तो कभी आकाश का उल्लंघन करता है और कभी सब दिशाओं में घूमता है, परंतु कभी भूल कर भी उस विमल आत्म रूप ब्रह्म का चिंतन करता नहीं है, जिससे सब दुखों की निवृत्ति हो सके। अपने मन को कह रहे हैं ऋषि भर्तृहरि जी, तू अपनी चंचलता के कारण कभी पाताल में चला जाता है, कभी आकाश का उल्लंघन करता है, आकाश में भी तैरता रहता है, भागता फिरता है, सभी दिशाओं में, दसों दिशाओं में तुम घूमता फिरता रहता है, पर उस विमल आत्म रूप का जो सबसे विमल है, सबसे सुंदर है, सबसे जो ज्ञान संपन्न है, ज्ञान स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उस विमल आत्म रूप ब्रह्म का तू चिंतन नहीं करता है। अगर तू उसका चिंतन करता तो सभी दुखों से तो बच जाता। यहां पर हमको समझना है विमल स्वरूप जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, उसका चिंतन किए बिना, उसका ज्ञान पाए बिना हम सभी दुखों से नहीं छूट सकते हैं। दुख हमारा पीछा करता रहेगा तब तक जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। तो यहां पर ऋषि भर्तृहरि हमें सिखाना चाहते हैं जो विमल आत्मरूप ब्रह्म है उसी का चिंतन करना ही हमारे लिए सर्वोचित है,
भले ही हम जीवन जी रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा अभ्यास जितना दृढ़ होगा, जितनी ईमानदारी से हम पुरुषार्थ करेंगे, हमें ये रहस्य समझ में आने लगेगा और हमारा मन भी लगेगा। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, इनमें से आपको कौन सा श्लोक, उसका अर्थ आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, आपको जो भी कुछ सीखने को मिला, आपको जो भी कुछ अनुभव हुआ, जरूर आप कमेंट में बताइए, हमें बड़ी खुशी होगी। माई ऑनेस्ट एंड गुडविल सजेशन फॉर यू, अगर आप पॉर्न, मास्टरबेशन, सेक्सुअल एडिक्शन आदि से पीड़ित हैं तो आपको ब्रेकिंग चेन्स ब्रेन रिवेयर कोर्स अवश्य करना चाहिए। ये एक बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है, मिशन अवेकन 360 एडवांस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ब्रेन रिवेयर कोर्स है। और अगर आपने मंथनब द्वारा लिखित द सुपर ह्यूमन लाइफस्टाइल, जो साइंटिफिक ब्रह्मचर्य के ऊपर आधारित है और ब्रह्मचर्य के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं और कैसे उसको टैकल करेंगे, अगर उसको आपने पढ़ा नहीं है इस किताब को, ये किताब आपके पास एक हार्ड कॉपी अवश्य होनी चाहिए। समय का कुछ नहीं कहा जा सकता है, सब कुछ डूब जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए टेक्नोलॉजी, इससे अच्छा कि हम हार्ड कॉपी रख लें अपने पास। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया है और आप लोग इसको शेयर करेंगे और कमेंट में अपना महत्वपूर्ण विचार भी रखेंगे, जिसको पढ़ करके हमें भी आनंद आएगा और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आपका कमेंट पढ़ करके बहुत हर्ष होगा, प्रसन्नता होगी। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।